हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारी वीडियो है MI अकाउंट रिमूव UMT डोंगल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि MI का मोबाइल आप MI अकाउंट कैसे रिमूव करें UMT डोंगल से। तो दोस्तों, मेरे पास ये है MI Note 4 मॉडल। इसमें दोस्तों MI अकाउंट लगा हुआ है, तो इसको आज हम बताएंगे आपको कैसे रिमूव करें UMT डोंगल से। तो दोस्तों, हमें आना है PC में। दोस्तों, PC में UMT QC टूल ओपन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा UMT QC टूल ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करें दोस्तों। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही FRP गूगल अकाउंट MI अकाउंट रिमूव करना बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई नई मेथड FRP बाईपास मोबाइल अनलॉक। दोस्तों, हमारा टूल ओपन हो चुका है। दोस्तों, अब हमें जाना है दोस्तों Xiaomi स्पेशल। तो ये Xiaomi स्पेशल पर जाएंगे दोस्तों। इस लिखा हुआ है, देखो Xiaomi स्पेशल, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। Xiaomi स्पेशल के बाद दोस्तों नीचे आना हमें ये रीसेट MI अकाउंट। दोस्तों, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। दोस्तों, हमें मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों, हमें मॉडल कुछ भी सिलेक्ट कर लें, आपका MI अकाउंट रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, अब हम फ़ोन में आएंगे दोस्तों। दोस्तों, हम फ़ोन का बैक पैनल ओपन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा फ़ोन का बैक पैनल ओपन हो रहा है। दोस्तों, हमारा फ़ोन का बैक पैनल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, बैटरी को रिमूव करेंगे दोस्तों। बैटरी को निकाल देंगे दोस्तों। हमें दो पॉइंट शॉर्ट करने हैं दोस्तों, हो वो हम इडल पॉइंट बोलते हैं उनको। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ़ोन हमारा ओपन हो चुका है दोस्तों। ये दो पॉइंट जो है, इसको शॉर्ट करेंगे और कब केबल लगा देंगे PC में। दोस्तों, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। दोस्तों, ये दो पॉइंट जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सेंसर पत्ते के पास में लगे दोस्तों दो पॉइंट। इसको शॉर्ट करेंगे और केबल लगा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हमारे ड्राइवर मैनेजर पर जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आपके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको मैं ड्राइवर इंस्टॉल करने की हेल्प करूँगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको UMT डोंगल के बारे में कुछ सपोर्ट चाहिए तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम फ़ोन को कनेक्ट करते हैं अब। तो दोस्तों, हमने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, अब हम PC में जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, PC में हमारा पोर्ट बना चुका है क्वालकॉम का। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, क्वालकॉम का पोर्ट बन चुका है। तो दोस्तों, अब हम जाएंगे टूल पर। दोस्तों, टूल पर जाने के बाद दोस्तों, ये रीसेट MI अकाउंट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों और दोस्तों यस कर देंगे। दोस्तों, वेट करें, थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों, आप MI अकाउंट कोई भी फ़ोन कर सकते हैं दोस्तों इसी मेथड से। कोई मॉडल सेलेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं दोस्तों, आप बड़े फ़ोन नहीं कर सकते। जैसे कि दोस्तों, बड़े बड़े फ़ोन जो नए आ रहे हैं वो नहीं होंगे दोस्तों। नॉर्मल फ़ोन जो हैं MI 5A, 4A, MI 3S प्राइम और दोस्तों 4X, Note 3, Note 4, ऐसे मॉडल आप दोस्तों UMT डोंगल से MI बाईपास MI अकाउंट रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, थोड़ा वेट करें, हमारा प्रोसेस चालू है। दोस्तों, हमारा MI अकाउंट रिमूव हो चुका है दोस्तों। अब हम केबल निकालेंगे और बैटरी को डालेंगे, फ़ोन ऑन करेंगे दोस्तों।
दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। दोस्तों फ़ोन ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। दोस्तों हम इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सेटअप करेंगे। दोस्तों दोस्तों हमारा एम आई अकाउंट रिमूव हो चुका है। दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट करेंगे, दोस्तों स्किप करेंगे। दोस्तों दोस्तों वीडियो बने रहिए। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में एफ आर पी बाईपास लगी हुई है तो एफ आर पी बाईपास भी करना बताएंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों थोड़ा वेट करें। दोस्तों दोस्तों देखिए ये नॉट सिंग मैसेज आ रहा। दोस्तों तो हमारे फ़ोन में एफ आर पी गूगल अकाउंट लगा हुआ है। तो दोस्तों फिर से इसको दोबारा फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों पीसी में हम जाएंगे। दोस्तों पीसी में जाने के बाद दोस्तों यहाँ रीड फ्लैश का ऑप्शन होगा। दोस्तों ये रीड फ्लैश टूल, रीड एस टूल पर जाएंगे। दोस्तों ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, शाओमी नीचे है। दोस्तों ये हमने शर्ट सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों मॉडल में हम नोट 4 सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों नीचे नोट 4 है, इसको सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों अब ये रीसेट एफ आर पी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों पहले फ़ोन को दोबारा कनेक्ट करेंगे, बैटरी निकालेंगे, एयरटेल पॉइंट शोर कर देंगे। दोस्तों और हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों अब ये रीसेट एफ आर पी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यस करेंगे। दोस्तों वेट करें। दोस्तों हमारा रीसेट एफ आर पी हो रहा है। दोस्तों हमारा एफ आर पी गूगल अकाउंट रिमूव हो रहा है, थोड़ा वेट करें। दोस्तों हमारा गूगल अकाउंट एफ आर पी रिमूव हो चुका है। देखिए दोस्तों तो हम दोस्तों अब बैटरी डालेंगे, फ़ोन को ऑन करेंगे। दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। दोस्तों सेटअप करेंगे।
तो दोस्तों हमारा एम आई अकाउंट रिमूव और गूगल अकाउंट भी रिमूव हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक।